नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ हिमाचल में बनने वाली हरी मिर्च की चटनी, जिसे कि चंबा की चूक कहा जाता है। इसे आप हरी मिर्च का अचार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साल भर आप स्टोर कर रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंबा की चूक बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम हरी मिर्च ली है। और ये देखिए, ये पतली वाली मिर्च होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी है। तो मैंने क्या किया है कि 150 ग्राम ये वाली ली है, छोटी वाली, और ये मोटी वाली जो है वो 250 ग्राम ली है। अब अच्छी तरह से इसे मैंने धो लिया है। धोने के बाद अच्छी तरह से इसको आपको सुखाना है, उसके बाद इसका डंठल जो है वो निकालना है। तो मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको तीखी ज़्यादा पसंद है तो आप पतले वाली मिर्च ले लीजिए, नहीं तो मेरी तरह मिक्स मिर्च भी ले सकते हैं और क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, मसालों में आपको लेना है 2 छोटे चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच मीठी वाली सौंफ, जो मोटी वाली सौंफ होती है वो लीजिएगा। 2 छोटे चम्मच लेने हैं साबुत धनिया और 1 छोटा चम्मच आपको लेना है मेथी दाने का। साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है अजवाइन का। अजवाइन को हम साइड में रख देंगे, अजवाइन को अलग रख लेना है। और बाकी जो मसाले हैं उनको आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भून देंगे ना तो अभी आपको अच्छी सी खुशबू आएगी, लेकिन फिर आपको चूक के अंदर या फिर अचार के अंदर अच्छी सी खुशबू फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, टच करके देख लीजिए, जब थोड़े से गर्म हो जाए उसके बाद इनको आप हल्का सा ठंडा करके ग्राइंड कर लीजिएगा। हल्का दरदरा ही ग्राइंड करना है। और ये देखिए, जो अजवाइन थी ना, मैंने गर्म पैन में डाल दी है। ये देखिए, फ्लेम बंद है। गर्म पैन में डालने से इसका जो फ्लेवर है एनहांस हो जाएगा। अब आपको लेना है अदरक। अदरक को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। और साथ में लेना है आपको लहसुन। तकरीबन 1 मुट्ठी हमारी अदरक की है और 2 मुट्ठी जो है वो लहसुन की है। बस अंदाजे से आप ले लीजिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल पड़ेगा। अब आपको इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। पल्स मोड पर, यानी कि मिक्सी को ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑफ़ किया, बस इस तरह से आपको इसे ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे ना तो फिर अच्छी सी चूक आपकी तैयार नहीं होगी, देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। इसी तरह से मिर्च को भी आप पल्सिस मोड पर, यानी कि ऑन ऑफ करके ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, जिस तरह से चॉप करते हैं ना उसी तरह से है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं किया है। बारीक पेस्ट कर देंगे तो इसमें से पानी जो है वो निकलेगा। अब ये हमारे आ गए मसाले और ये अदरक और लहसुन, तकरीबन सारी तैयारी हो गई। अब आपको यहाँ लेना है 1/2 कप सरसों के तेल का, 200 ml तेल है ये। और तेल को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा धुआं तेल से नहीं उठाना है। ज़्यादा धुआं उठाने से क्या है ना, तेल जल जाता है, फिर अच्छी खुशबू आपके चूक में नहीं आएगी। तो बस आप देख लीजिए कि थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें आप 1 चम्मच सौंफ का डाल लीजिए और 1/4 छोटा चम्मच डाल लीजिए हींग का। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। अब जो सौंफ है उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ही पकाना है, कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह की जब सौंफ हो जाएगी तब इसमें आप अदरक और लहसुन को डाल लीजिए और हाई फ्लेम पर अब इसको पकाइएगा। हाई फ्लेम पर ही चूक हमारी तैयार हो रही है, मीडियम या लो फ्लेम नहीं करनी है। और जो अदरक और लहसुन है ना, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आपको ब्राउन नहीं करना है, इसको जस्ट सौते करना है। ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ। अब इसमें डाल लीजिए अपनी मिर्चें, जो कि आपने चॉप करके या ग्राइंड कर रखी है। लेकिन देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पेस्ट इसका नहीं बनना चाहिए, तभी आपकी चूक अच्छी बनेगी। इसे भी आपको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाना है 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें डाल देना है हल्दी का पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, बस कलर इससे अच्छा आएगा। तो बस इसको भी आप मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसे आप हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। बस आपको देखना है कि हल्का सा जो मिर्च है ना, तेल छोड़ने लग जाएगी, तब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की रेसिपी मेरे चैनल पर आती रहती है। अब ये देखिए, जब तेल इसने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया ना, तब आप इसमें डालिए मसाले। और बहुत ज़्यादा तेल तो ये नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा तेल हमने डाला ही नहीं है, लेकिन हल्का सा मिर्ची का भी कलर चेंज हो गया है और तेल थोड़ा थोड़ा रिलीज़ किया। उसी स्टेज पर आपको ग्राइंड किए हुए मसाले डालने हैं। और मिक्स करने के बाद देखिए, इसमें मैंने डाल दी अजवाइन और ये है काला नमक। तो एक बड़ा चम्मच मैंने काला नमक का डाल लिया और दो बड़े चम्मच आपको डालने हैं सादे नमक के। काला नमक डालने से क्या है ना, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अब आपको इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा देर अब नहीं पकाएंगे, 2 मिनट के लिए पका लीजिए। और मिर्च का कलर आप देख सकते हैं, बढ़िया ग्रीन कलर है, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। ठीक, अब आप देखिए कि तेल जो है चूखने छोड़ दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला है, फिर भी तेल के बबल्स आपको इसमें जब दिखने लग जाएंगे ना, उस स्टेज पर आपको क्या करना है कि फ्लेम कर देनी है बंद, और बंद करने के बाद ही इसमें आपको खटास डालनी है। तो खटास के लिए आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ सिरका। तो ये जो सिरका है घर का बना हुआ है, देखिए लास्ट ईयर मैंने इसकी वीडियो, गन्ने के सिरके की वीडियो आपके साथ शेयर की है। बहुत बढ़िया गन्ने का सिरका आप घर पर बना सकते हैं। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ सिरके के डाल दिए हैं, क्योंकि घर का सिरका है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये शार्प है। सिरका डालने से क्या है ना, अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, साथ में आपकी चूख खराब नहीं होगी। अब इसमें आप डाल लीजिए 1 छोटा चम्मच चीनी का और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। चीनी डालने से भी हमारा जो अचार है ना, जल्दी ख़राब नहीं होता है, साथ में जो फ्लेवर है वो भी बैलेंस में हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तीखी आपकी चूक होगी तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। वैसे आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। बस 10 मिनट के अंदर अंदर चूक हमारी तैयार है। अब नीचे उतारने के बाद भी थोड़ी देर आपको इसको इस तरह से मिक्स करना है, जिससे ओवर कुक हमारी मिर्ची नहीं होनी चाहिए। बस अच्छी तरह से इसको आप ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद ही साफ सुथरे कंटेनर में इसको डालिएगा। तो जो आपका कंटेनर है ना, कांच का हो तो बहुत बढ़िया है, प्लास्टिक के कंटेनर को अवॉइड कीजिएगा। कांच का कंटेनर देखिए जल्दी अचार को ख़राब भी नहीं करता है और फिर हार्मफुल भी हमारे लिए नहीं होता है। तो मैंने भी 3 घंटे अच्छी तरह से इसको ठंडा किया है, उसके बाद ही कंटेनर में डाला है। अब ढक्कन लगाने से पहले अच्छी तरह से आप कंटेनर को पोंछ लीजिए और लीजिए, हमारी चूक तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन को भी दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।